नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 बड़ी खबरें जो कि महत्वपूर्ण और काम की है। इसलिए आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरों को। देश में कोरोना संक्रमण के 12,729 नए मामले आए सामने, मौत का आंकड़ा 4,59,000 के पार। महाराष्ट्र के बारिश से प्रभावित किसानों को सरकार ने दिए 2,110 करोड़ रुपए, हजारों को अब भी मुआवजे का इंतजार। केदारनाथ विजिट पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगला दशक उत्तराखंड का है, अगले 10 साल में 100 सालों की तुलना में राज्य में पहुंचेंगे अधिक पर्यटक। दिवाली पर फायर ब्रिगेड की आई 152 कॉल, पिछले साल की तुलना में 25% कम रहा आंकड़ा। केरल में फुली वैक्सीनेटेड लोग भी हो रहे हैं संक्रमण का शिकार, मगर नॉन वैक्सीनेटेड लोगों की तुलना में कोरोना से खतरा कम। कर्नाटक में थमी कोरोना की रफ्तार, सरकार ने लिया नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, वापस लिया, कहा नए एडवोकेट जनरल के बनते ही चार्ज संभालूंगा। शाहरुख की मैनेजर का सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद किरण गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 8 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। तालिबान की लीडरशिप में इस्लामिक स्टेट ने भी की घुसपैठ, शीर्ष रैंक में शामिल अपराधी सुप्रीम लीडर हेबतुल्ला अखुंदजादा ने चेताया। वैज्ञानिकों का अनुमान, आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग में आ सकती है थोड़ी कमी। भारत के सबसे अमीर शख्स अंबानी लंदन में बना रहे हैं अपना घर, 49 बेडरूम के अलावा होगा एक मिनी हॉस्पिटल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार में दिखे कोरोना वायरस के लक्षण, 2 ड्राइवर समेत 4 स्टाफ हो चुका है पॉजिटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरातियों को नए साल की दी शुभकामनाएं, बोले आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आए। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को फैंस ने बताया फुल पैसा वसूल, लोग बोले रोहित शेट्टी ने फिर मचाया धमाल। 20 घंटे बाद सूर्य के प्रकोप से आजाद हुई पृथ्वी, शोर तूफानों ने 583 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से मारी टक्कर। यूपी जीत के लिए बहन जी ने बनाया नया प्लान, 6 में से 4 सीटों पर स्वर्ण होंगे प्रत्याशी। बिहार में लगातार बढ़ रहा है जहरीली शराब पीने वालों के मौत का आंकड़ा, विपक्ष हमलावर, सरकार बता रही है साजिश से। वैक्सीन नहीं लगवाई तो हजारों इंटेलिजेंस ऑफिसर की जाएगी नौकरी, यूएस सरकार ने 22 नवंबर की डेडलाइन जारी की। टिफिन बम बरामद मामले पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, आशा है इस खतरे को गंभीरता से लेगी सरकार, एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी राहत, 350 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों के 1,00,000 स्टूडेंट को देनी होगी 10 गुना ज्यादा फीस। एनसीबी ऑफिस में अपनी पहली हाजिरी देने पहुंचे किंग खान के बेटे आर्यन खान, मीडिया को देखकर मुंह बनाने वाले बिगडेल का उतरा दिखा मुंह। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में घुला जहर, चारों ओर पसरा कोहरा और विजिबिलिटी हुई कम। सीबीएसई टर्म फर्स्ट एग्जाम 21-22 परीक्षा के लिए न्यू ओएमआर सीट तैयार, गलत आंसर पर बदल सकेंगे उत्तर। त्रिपुरा में बीजेपी को मिली गुड न्यूज, 20 में से 7 निकायों पर निर्विरोध जीत, स्थानीय चुनाव में विपक्ष रहा नदारद। उत्तर प्रदेश में केदारनाथ से यूपी को साथ गए पीएम मोदी, विकास कार्यों को लेकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की। महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख के बेटे आज ईडी के सामने नहीं हुए पेश, 7 दिन का मांगा समय। गंभीर टाइप 2 डेंगू का महाराष्ट्र में सर्कुलेशन सबसे ज्यादा, आईसीएमआर एनआईवी की स्टडी में हुआ खुलासा। बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं मुकेश सहनी, कहा उपचुनाव हारती तो संकट में आ जाती नीतीश सरकार।
उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, समाधि की पूर्व स्थापना के लिए आदि गुरु जैसी जिजीविषा, संकल्प और धैर्य चाहिए था जो पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाया। गंगोत्री धाम की कपाट बंद, श्रद्धालु अब 6 माह मुकबा में कर सकेंगे मां गंगा के दर्शन। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी छावनी क्षेत्रों में घर घर जाकर होगी जीका वायरस की जांच। मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पुंछ के फरार आतंकी, मैपिंग और क्वाड कॉप्टर बिगाड़ेंगे दहशतगर्दों का पूरा खेल, पूरा डेथ प्लान तैयार। बिक्री के बाद एयर इंडिया ने घटाया अपना ऑपरेशन, इस विंटर सीजन में 9% कम फ्लाइट का संचालन। IMF ने COP26 में भारत के ऐलान की तारीफ की, कहा आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है देश। किसानों की 10वीं किस्त को लेकर आई बड़ी खबर, 15 नवंबर की तारीख को खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे ₹2000। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव कर बनाया गया नया विश्व रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर दर्ज हुआ दीपोत्सव। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में शंकराचार्य की प्रतिमा का किया अनावरण, शंकर शब्द का समझाया अर्थ। कोरोना महामारी का केंद्र बना यूरोप और मध्य एशिया, फरवरी तक 5 लाख लोग गंवा सकते हैं जान, WHO ने चेतावनी दी। डोर टू डोर टीकाकरण अभियान के लिए पर्याप्त है वैक्सीन, टीके की कोई कमी नहीं, बोले राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर NK अरोड़ा। पंजाब में आतंकी साजिश का पर्दाफाश, पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास खेत से बरामद किया टिफिन बम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर एनकाउंटर को लेकर सरकार ने 9 पुलिसकर्मियों को बताई ढिलाई। बुलंदशहर एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार ने 9 पुलिसकर्मियों को बताया ढिलाई का जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश। त्रिपुरा हिंसा को लेकर बड़ी खबर, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों पर लगाया UAPA, 10 नवंबर को पूछताछ के लिए किया तलब। पुणे में शरद पवार बोले, महाविकास आघाड़ी सरकार के अहम फैसलों से कम हुई COVID-19 महामारी। BJP नेता किरीट सोमिया का ट्वीट, अनिल देशमुख के बाद NCP और शिवसेना के नेताओं की बारी, अभी तक पहुंचता था वसूली का पैसा। महाराष्ट्र में दीपावली पर फटाके फोड़ने को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसियों ने की आर्किटेक्ट की पिटाई, टूटी टांग। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अमेरिकी मिलिट्री रिपोर्ट का दावा, LSC पर छिड़े तनाव से चीन को मिला विश्व स्तरीय सामरिक अनुभव। लापरवाही आई सामने, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन से मंगाया पासपोर्ट कवर, कंपनी ने सीधे भेज दिया किसी और का पासपोर्ट। भारत ने किया एंटी एयरफील्ड हथियार का परीक्षण, 100 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के ठिकानों पर होगा सटीक हमला, स्वदेशी स्मार्ट बम ने बढ़ाई वायुसेना की ताकत। महाराष्ट्र में ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे को आज किया था तलब, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े सवाल जवाब करने के लिए। शिवसेना नेता रावत का केंद्र पर निशाना, तेल के दाम 50 रुपए कम करने हैं तो भाजपा को हराना होगा। गुजरात के द्वारिका में 223 किलोमीटर दूर आए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 5 मापी गई तीव्रता। मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने जंगेटी गांव पहुंचे राकेश टिकेत, सरकार पर बोला हमला, प्रधानमंत्री मोदी को जीत। पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा, कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, कहा प्रधानमंत्री ने फिर किया निराश। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।